रक्षाबंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, याशो जी बन बने मान। सुनो जी ओ जैनी नगरी के राजा श्री वर्मा था नाम, बलि बृहस्पति नाम चू प्रहलाद मंत्री उसके दुष्काम। जिन धर्म के घोर विरोधी चारों को दिखाते हैं, रक्षाबंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आसो जी बन बने मान। सुनो जी उच्च जैन, जैनों का उच्च रूप से निवास, उस नगरी का नाम उज्जैन। यों कहें तो उच्च रूप से जैनों का निवास की नगरी का नाम उज्जैन। थोड़ी सी कम कर देना। उच्च जैन कौन है? जो जिन दर्शन करते हैं वो जैन है, और जिन दर्शन करके जो चैतन्य के दर्शन कर लें वे कौन है? वे उच्च जैन है। जिनको कोई को तकलीफ हो भी सामने बैठ जाना, बहुत जगह पड़ी है। जो पानी छान कर पीते हैं, मोटा दोरा छन्ना रखे हैं, वे जैन है। और जिनके हृदय में भेद ज्ञान रूपी छन्ना रहे वे उच्च जैन। उच्च जैन जैनों में उत्कृष्ट है। ऐसी उज्जैन नगरी में श्री वर्मा नाम के राजा निवास करते थे। उनके चारों मंत्री थे। उन मंत्रियों के नाम प्रहलाद, बलि, बृहस्पति, नमुची और प्रहलाद, ऐसे उन चार मंत्रियों के नाम थे। और राजा उनसे मंत्रणा करके अपना कार्य किया करते थे। परंतु यह समझना कि भी जो मंत्री है उनसे मंत्रणा नहीं करना, क्योंकि वे तो जिन धर्म के घोर विरोधी चारों को दिखाते हैं। जो धर्म के विरोधी हैं वे तेरे विरोधी हैं, ऐसा समझना। जो धर्म के विरुद्ध भाव हैं वे तेरे विरुद्ध भाव हैं, वे तेरा घात करने वाले भाव हैं। जैसे वही राजा चार मंत्रियों के साथ रहता था, ऐसे ही जीव राजा भी चार मंत्रियों के साथ रह रहा है, जिसके कारण बंधन को प्राप्त हो रहा है। चार प्रत्यय बोलो, जिनको बंधाधिकार आदिक में आचार्य भगवान ने कहा है, चार प्रत्यय ही बंध के कारण है। वे चार प्रत्यय कौन है? मिथ्यास, अविरति, कसाय और योग है। उसमें प्रमाद में कसाय शामिल किया है ना। तो ये जो चार प्रत्यय हैं, इनसे तू मंत्रणा करता है। वो अविरति कहेगी, अरे यहाँ नहीं है आनंद, उठ के वहां चलो इंद्री के विषय में। वो तो ये घोर संसार की ओर ले जाने वाली है। राजा श्री ब्रह्मा के चार मंत्री, और एक बार उस नगरी में खुशियां छाई हैं। जिन धर्म के क्या अपने ही सुख के विरोधी थे भाई, रह करे धर्म से दूर रचे दुख की सृष्टि भाई।
उस मिथ्यात्व के फल में निगोदे आता पाते हैं। रक्षा बंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा। अरे धर्म का आराधक तो अपने सुख का आराधक है और धर्म का विरोधी तो अपने सुख का ही विरोधी है। वे जो धर्मात्मा वे चार जो मंत्री थे वे जिन धर्म के विरोधी नहीं अपने विरोधी थे। और आप जानते हो हिंसा के साधनों का समर्थन करते हो, असत्य के साधनों का समर्थन करते हो, कुशील के साधनों का समर्थन करते हो, तो आप जिन धर्म के विरोधी हो। हम तो जैन धर्मी है साहब। अरे साहब पंचम काल आ गया वो सब चलता है, क्या कर रहे हो आप? जैन संस्कृति के जो शील सत्य अहिंसामयी संस्कृति है उसकी विरुद्ध भावों का उससे विरुद्ध वस्तुओं का आप अपने शिथिल परिणाम के कारण समर्थन करते हो तो आप जैन संस्कृति के विरोधी हो। आप क्या धारण करते हो, आप कैसे रहते हो, क्या करते हो, ये बात अलग बात है। कम से कम समर्थन तो मत करना। गुरुदेव के सामने एक बार किसी ने कहा कि साहब वो आलू में जीव, अरे वो बताते थे एक एक कणिका में इतना इतना, तो किसी ने कह दिया आ किसने देखा, तो गुरुदेव बोले ऐसा मत कहना। क्यों? अगर तुझे मरना है तो मरता रहे, परंतु यह कहकर सर्वज्ञ के ऊपर उंगली मत उठा, ये महापाप कर रहा है। अगर तू कहने लगे इनके बिना नहीं चलता है, इनके बिना नहीं चलता है, तू जिन धर्म का विरोधी है, क्योंकि इनके बिना ही जैन संस्कृति चल रही है और चलेगी। भाई घोर विरोधी थे। और आचार्य भगवान कहते हैं, कौन सी नगरी से कहानी शुरू हो रही है रक्षाबंधन की? वहां राजा श्री वर्मा, उसके चार मंत्री और चारों जिन धर्म के विरोधी। और एक बार क्या घटना घटी, सप्ते शतक मुनियों सहित अकंपन आचार्य सुखकार आए अस्नापुर के जंगल में छाई खुशियां अपार। मंत्रियों सहित नेपति उनके दर्शन को जाते हैं। रक्षा बंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा। ये रक्षाबंधन कथा नाम इसलिए दे रहा है, इसमें अकेले विष्णु कुमार की कथा नहीं है, अकेले सात सौ मुनियों की कथा नहीं है, पूरी कथा है ना, इसलिए इसको रक्षाबंधन कथा के पर्व के नाम पर नाम दिया है। क्या प्रसंग बना? सात सौ महा मुनिराज अकंपनाचार्य सहित नगरी के निकट के जंगल में, वो जो स्थान कहलाता है वो हस्तिनापुरी ही था, इसलिए क्या कह रहे हैं, हस्तिनापुर में मुनिराज आए। स्थूल कथन है, हस्तिनापुर नगर में नहीं थे, कहाँ थे? उसके जंगल में। और राजाओं को, जब राजा श्री वर्मा को पता चला तो खुशियां छा गई, क्या अहो मुनिराज आए, धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे, वनवासी व्यवहार कतो है, वनवासी। वे हस्तिनापुर के जंगल में थे, ये व्यवहार कह रहा है, वे अपने मंगल में स्वरूप में आए हैं, ये परमार्थ है जी। हाँ हम गलत बोल रहे हैं, हाँ कौन से जंगल है? हाँ उज्जैन से शुरू हो रहा है ना अभी तो कहानी, हस्तिनापुर तो बाद में आएगा। हाँ कौन सी नगरी भैया, जल्दी याद तो दिला दिया करो, पंडित जी याद न दिलाते तो पूरे पूरा हो हस्तिनापुर चली जाती हो। हैं कौन सी नगरी? उज्जैन। आप बैठे नहीं हो इसलिए आपको कछु याद नहीं, कछु कहते जा पड़ते।
तो उज्जैन के जंगल में वो जंगल बड़ा उच्च हो गया था। अरे जंगल आज सूने दिखाई देते, उस समय सूने नहीं थे हैं। और जब मंगल में उन मुनिराजों का उस जंगल में विराजमान रहते थे, मोह में पहली बार जब पंडित साहब का समागम बना था आपके विधान आदि के अवसर पर, तब पंडित साहब ने जो पंक्ति सुनाई थी मुझे आज भी गूंजती रहती है। अंतर मगन बार नगन, अंतरे में मंगल है जंगल गवाही है। ये अंतर में मंगल है, ये जंगल गवाही दे रहा है। तो महामुनिराज और उज्जैनी के जंगल में विराजमान थे, सब बड़े उत्साह के साथ में जा रहे हैं। राजा ने चल दिया, अपने मंत्रियों से भी कहा तो वो भी जा रहे हैं, परंतु मंत्रियों को तो जैन धर्म का समर्थन था ही नहीं। और रास्ते में राजा के लिहाज से बात जा तो रहे हैं, इधर क्या होता है, मुनियों की महिमा पर करते हुए जा रहे, मंत्रियों के हृदय में नहीं वो तो बार रहे। अरे महाराज अभी हम देखेंगे कैसी पे हैं, हम चर्चा करके देखेंगे। और अरे चर्चा क्या करोगे, उनकी चर्या ही तुम्हें सब कुछ बता देगी। और ऐसी महिमा करते हुए मुनिराजों की जा रहे हैं, हैं? लेकिन मंत्रियों को ऊपर ऊपर से तो हम इसी पाड़ रहे हैं राजा के लिहाज से, परंतु भीतर से यहाँ नहीं आ रही। ऐसी हमने कहा ऐसा चलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, क्या है कि ऐसी महिमा करना चाहिए, तो हमारी उससे आपने हाथों पाड़ दी। परंतु यदि अंदर से नहीं आई तो कहीं चार मंत्रियों के साथ हम ना हो। वहां पहुंचे हैं और आचार्य देव तो अवध ज्ञान आदि के धारी थे, तो सकल संग से कह दिया, राजा आ रहा है, किसी को कोई विकल्प नहीं, आत्म ध्यान का अवसर है, कोई बोलेगा नहीं, सब मौन साधना में मग्न हो जा। आचार्य श्री सभी को मौन की आज्ञा देते हैं, मौन साधना पूर्वक सभी ध्यान में राज रहे, मानो साक्षात सिद्ध प्रभु हो ऐसे साज रहे। कैसे लग रहे हैं सात सौ मां मुनिराज, कल्पना तो करो आप, कहां पर हो आप, कौन सा नगर है, कहां पर बैठे हो आप, एक कुंद कुंद साध्या भवन में नहीं बैठे, उज्जैन के जंगल में बैठे हो, तब तो मजा आए कहानी सुनने में। और 700 महा मुनिराज हाथ से हाथ रखे हैं और साक्षात शुद्धों सिद्धों से बातें कर रहे हैं। शुद्धोप योग मई परिणति, या शुद्धोप योग मई परिणति से बाहर आकर के उस शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा का ही सविकल्प भाव, सविकल्प भूमिका में भावना वा रहे वे मुनिराज, उनकी मंगल मुद्रा से आनंद झर रहा है। एक एक मुनिराज को हाथ जोड़ जोड़ करके नमस्कार कर रहे हैं। बहुत से लोग तो नमस्तु शब्द भी बोल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, तो वैसे ध्यान मुद्रा में नमस्तु जोर से नहीं बोला जाता हैं, लेकिन सब बोल रहे हैं। लेकिन वे मुनिराज आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, यही आशीष दे रहे हैं कि तुम भी ऐसे ही राज जाओ। ए दम्मी रदो निच्चो संदुट्टि यो निच्च मे दम्मी ये देने होई तित्तो वो अधि तोई उत्तमम सोकम। इसमें सदा रति वंत वन, ये कुछ वो प्राकृत बोल गए हम, ए देन रदो निच्चो ए भव्य इस ज्ञाता भाव में ही नित्य प्रीति कर। आज वात्सल्य का दिन है ना, तो तू अपने भगवान आत्मा से प्रीति कर हैं, और इसी में संतुष्ट हो जा, इसी में तृप्त हो जा, तू परम सुखी हो जाएगा। आशीर्वाद मिल गया कि नहीं मिल गया, वो मौन मुद्रा में ये बता रहे हैं। और श्री वर्मा महाराजा देख देख के सब मुनियों को, क्यों भैया 700 महा मुनिराज एक साथ विराजमान होते तो आप क्या करते, जान तो बहुत से दूर, तो साथ दूर जाकर एक साथ नमस्तु महाराज।
अब एक एक महाराज जी को कहाँ तक करें, जानते आप ये सोचते अब एक एक जगह कहाँ तक झुकें, तो झुकते नहीं हो फिर जी क्या हो जाता है। आप बड़े पंडित साहब कहते हैं ना कि वो अलग से कुछ व्यायाम व्यायाम करते हो, अरे सुबह जाओ 1 किलोमीटर दूर 1.5 किलोमीटर दूर मंदिर है तो मत जाओ गाड़ी वाड़ी से, पैदल जाओ वहाँ तक, और वहाँ जा करके अभिषेक करोगे, पूजा करोगे, नमस्कार करोगे विधियों को। हैं एक जगह तो हम शिवनी गए थे, कहाँ पर 20-22 वेदी एक साथ एक ही मंदिर में लगभग 18-20 वेदी। अब वो सब नमस्कार करेंगे, उठेंगे नमस्कार करेंगे तो क्या होगा, कहाँ के सूर्य नमस्कार, कहाँ के चंद्रमा नमस्कार, किधर किधर के लगा रखे। अरे यहाँ तुम्हारी जैनों की जो व्यवहारिक चर्या है उसको सहज पने जियो, तुम्हें अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जाकर मुनराजों को नमस्कार कर रहे हैं और मुनराज तो स्वरूप में मग्न है। निप सहित संपूर्ण नगर वासी चरणन में झुकते हैं, और राजा टकटकी लगा करके हाथ जोड़े बैठे हैं प्रजाजन के। मुनराज कुछ बोले तो सही, कुछ बोले तो सही, लेकिन धर्मात्मा कह रहे हैं कुछ बोले कि बोल रहे हैं, हैं? बोल रहे हैं कि ये भव्य ये भगवान आत्मा ही आराधना करने लायक है। मौन धन्य साधना इनकी मौन में दे रहे संदेह, भगवान आत्मा आनंद का सागर देखो भव्य विशेष, आराधक ही प्रभावक यो श्री गुरुवर कहते हैं, रक्षा बंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो, सोदा तम में रत संतोष्ट त्रस्त ओ जीवराज, स्वयं में विश्व के मिलेगा ये ही बता रहे मुनराज, किसी से पूछने की न जरूरत यही वो कहते हैं, रक्षा बंधन पर्व की मंगल कथा सुना ए बब, तू अपने भगवान आत्मा में ही रति कर, तू भगवान आत्मा में ही संतुष्ट हो जाओ, तृप्त हो जा, तू सुखी हो जाएगा, फिर अधिक प्रश्न मत करना, फिर किसी से पूछने की बोलो टीका की मूल शब्द है कि नहीं, एक काम कर महाराज, मुख में मिश्री रखेंगे फिर वो मुख मीठा होगा कि नहीं होगा। भैया आप मुख में मिश्री रखे हो फिर पूछ रहे हो पंडित साहब से, पंडित साहब मेरा मुख मीठा हुआ कि नहीं हुआ, ये पूछने की क्या जरूरत है, वे दो तर्जे ही देंगे कि नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अगर हो जाता पूछते ही काय को, ऐसे लोग बैठते हैं, ऐसे बैठे थे भैया जी और ऐसा करा था, वो अनुभूति हुई के नहीं हुई, नहीं हुई, क्यों हो जाती, हो जाती तो तुम स्वयं ही आनंद का वेदन करते, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ऐसा उपदेश देश बोधि से मंत्री बोले, उपदेश ना देते हुए सब बहुत देर तक पर सब लोग वंदना करके चले गए हैं, और रास्ते में जा रहे हैं श्री ब्रह्मा कह रहे हैं देखो मंत्रियों, मुनराजों की बीत रागता तो देखो शुभ राग में भी नहीं आए हैं, देखो तो सही जीवन से ही उपदेश दे रहे थे, पूरा नगर और हम स्वयं हाथ जोड़े इतनी देर तक बैठे रहे, क्या इनकी धन्य वीत रागता और धन्य इनकी करुणा भी धन्य, करुणा कैसी धन्य के वात्सल उमर आए, करुणा उमर आए तो एक चांडाल को भी उपदेश दे दे, उसको भी समझाने लगे, पशुओं को समझा दें, और जब अपने स्वरूप में बैठे हैं तो इतना कटक बैठा है, इतना विशाल नगर बैठा है नहीं आया, तो अनुबंध और प्रतिबंध से रही साधुओं की चर्या होती है, है ऐसी अलौकिक दिगंबर मुद्रा हो हम कब धारण करें, धन्य है जिन धर्म के साधुगण।
ऐसी प्रशंसा करते हुए, धन्य इनकी मौन साधना, आओ समय सार मौन स्वरूपम आज साक्षात जीवन से दिखा रही कि यह समय सार तो मौन रूप ही है। ऐसी प्रशंसा कुछ धर्मात्मा और राजा मंत्रियों के साथ करते जा रहे थे। तब मंत्री क्या बोले, द्वेष बुद्धि से मंत्री बोले, महाराज अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कह। बोले हाँ बोलो भाई, अरे बोलो तुम भी कुछ कहोगे, खुद देख के आयो। मैं द्वेष बुद्धि से मंत्री बोले, मूर्खता छुपाने भाई स्वांग रचा उन्ने इन पति, अरे ये सुखदाई। तभी सामने से सुत सागर मुनिवर आते दिखाते हैं, रक्षा बंधन पर्व की मंगल कथा सुनो जी, मंगल जैन पुराण आसो। अरे महाराज, मौनस्य मूर्खस्य भूषणम्, मूर्खों का आभूषण मौन है। अब कुछ जानते तो थे नहीं और हम विद्वान थे, और हमारे सामने कैसे बोल पाते। और तब तक तो नाना प्रकार के वचन बोलने लगे, महाराज आपको अति श्रद्धा है ना, इसलिए आप सुन नहीं पा रहे हो। और देखो एक बहुत ऐसी खराब शब्दों में बोल गए, वो चला आ रहा है। कुछ जानते वानते कुछ सीखते तो है नहीं, और ऐसे शब्द जब कहे आचार्यों के प्रति, सकल संघ के प्रति, सुत सागर महाराज से सहन न हुई और बोल उठे, भैया वस्तु तो अनेकांत स्वरूप है, वस्तु एकांत स्वरूप तो है नहीं, मूर्खता किसका नाम है। अच्छा अच्छा चलो, देखो जी महाराज तो बोल रहे। और होते होते वाद विवाद होने लगा, और वाद विवाद हुआ तब नाना प्रकार के दुर्वचन से करते थे अवज्ञा, सुत सागर मुनि ने मुनि सुनाने लगे जिनवर की आज्ञा। जो जिनेसर का वस्तु स्वरूप था वह सुनाने लगे, लेकिन आचार्य कहते हैं कहाँ सुनाना है और किनको सुनाना है। लेकिन महाराज तो उस समय जो जिन धर्म का अपमान था वो सह नहीं पाए, और अपना नहीं दिगंबरत्व का अपमान था, और दिगंबरत्व का नहीं सकल मुनियों का अपमान था, तो राग के मैं वो विकल्प सुबराग की भूमि में आ गया। अरे समंत्र बद्री स्वामी कहते हैं, हे निपति मैं जैन निर्गंतवादी, वाद विवाद के लिए यानी जैन दर्शन सत्य है इसके लिए सिंह की तरह विचरण कर रहा हूँ, जिसमें भी शक्ति हो मेरे से आगे बात बात करे। भेरी बच जाती थी नगर में, उनके नाम से लोग जहाँ समंत्र भद्र भगवान आचार्य महाराज पधारते थे कांप जाते थे, अकलंक देव समंत्र भद्र आचार्य महाराज की प्रज्ञा के सन्मुख। तो ऐसा राग है तो अब आ जाता है जैन धर्म की प्रभावना के लिए, ऐसा विकल्प आ जाए तो आ जाए, समझ में आया। तो उस समय उनको आ गया, देखो वो उनकी वितरागता थी, ये उनका उसकी भूमिका का बरतने वाला शुभ राग था। लेकिन इसकी भी वो प्रायश्चित लेंगे, ध्यान रखना। अभी जाकर के क्या हुआ, जिसके सन्मुख चारों मंत्री पराजित होते हैं, रक्षा बंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो। उनकी तर्क और युक्तियों के आगे भी टिक नहीं पाए, अनेकांत मई जैन शासन की सत्यता जब सिद्ध हो गई तो मंत्री चारों के चारों मौन हो गए, बोल नहीं पा रहे थे। मानादिक भावों से जीव पराजय नियम से ही पाए, निपति सहित सब बोले मूरख
कोने अब लख पाए। बोले पहले तो उनको मूर्ख कह रहे थे, कौन है भैया मूर्ख, अब देख लिया आपने है? जो जिन शासन ना समझते भी मूर्ख काते हैं, रक्षा बंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा, और जब वे मुनिराज सुति सागर महाराज ने उपदेश को सुन करके, राजा तो जिन धर्मी था तो जिन धर्म में और दृढ़ हो गए। ए मंत्री, आज तो कहा तो कहा, आज के बाद जैसा जिन शासन के विरुद्ध एक भी शब्द तुम्हारे मुख से निकला, उसी समय तुम्हें मंत्री पद से हटा देंगे, देशों से निकाल देंगे। हमें जबरन धर्म परिवर्तन कराने की परंपरा हमारी नहीं है कि अब तुम जिन धर्मी हो जाओ, तुम्हारी मान्यता तुम रखो, परंतु जिन शासन के विरुद्ध यदि एक भी वचन निकला, कभी भी जैन धर्म की धर्मात्माओं की निंदा नहीं सुनना चाहिए। समझ में आया? हमारे सामने धर्मात्माओं की भी निंदा लोग करते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं कि तो हम तो कर नहीं रहे थे, अब वे कह रहे थे तो इससे क्या, क्यों भैया तुमने तो आलू आदि खाए नहीं, किसी ने अगर तुम्हारी थाली में रखने लगा तो आप क्या करोगे? संत भाई साहब क्या कहोगे? भैया अब उन्होंने रख दिए तो दोस्त तो तुम्हें लगेगा ना, जैसे उसका निषेध करते हो, ऐसी पराई निंदा सुनना अवक्ष है। समझ में? अवक्ष सेवन है। किसके द्वारा वो अवक्ष सेवन करते हो? पराई निंदा को कहा है आचार्य महाराज ने। तो जिन धर्मी हो जिन धर्मात्माओं की निंदा तो बहुत दूर, ये किसके द्वारा ये सेवन करते हो? कर्ण इंद्रियों के द्वारा। खोटे रूपों को देखना अवक्ष है, या ये भक्ष किसके द्वारा करते हो? नेत्र चक्षु इंद्रियों के द्वारा। मुनराज तो चले गए, राजा जिन धर्म में दृढ़ हुआ और सब जय जयकार लगाती हुए जिन धर्म की चले गए, और इधर क्या प्रसंग बना, जाकर के आचार्य के चरणों में जब पहुंचे हैं तो पता चला कि महाराज की आज्ञा मौन रहने की। बड़ा खेदत हुए और जाकर के हे गुरुवर, ये नहीं कहा महाराज जी आपके आशीर्वाद के प्रताप से हमने उनको चारों को पराजय, आज बड़ी अवाज्ञा हो गई, आपकी आज्ञा का हमको भान नहीं था और हम बोल गए। हे गुरुवर, ये जो वचन निकले इनका हम प्रायश्चित चाहते हैं, विचार तो करो, योग्य धर्म के वचनों का भी वो प्रायश्चित लिया करते थे, आप अयोग्य वचनों के भी प्रायश्चित नहीं ले पाते हो। अभी विष्णु कुमार मुनिराज को सुवराग आया उसका भी उन्होंने प्रायश्चित लिया, वात्सल्य के भाव का भी प्रायश्चित लिया, हम अवात्सल्य का भी प्रायश्चित नहीं लेते हैं, जा करके चरणों में निवेदन कर रहे हैं। बस दिक्कत ये नहीं है कि प्रायश्चित क्या लें क्या न लें, मुख तो संघ की असुरक्षा हो गई। क्यों भी जिन धर्म की द्वेषी है, अगर तुम दिगंबरत्व का अपमान नहीं सह पाए सुत सागर हो करके है, तो फिर वो तो कुछ जानते ही नहीं है, तो भी अपना अपमान कैसे सह पाएंगे, और वे जल रहे होंगे और रात्रि आदि काल में संग पर उपसर्ग आदि करेंगे। तब सुत सागर महाराज बोल उठे, बस गुरुवर मैंने प्रायश्चित ले लिया। क्या प्रायश्चित ले लिया? कि जिस स्थान पर विवाद हुआ था मैं उसी स्थान पर आज रात्रि में आत्म ध्यान में मग्न रहूंगा। आचार्य महाराज तो रोकने लगे लेकिन नमस्कार करके चले गए। जिंदरम तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण बिताजे देंगे हम रहे ना रहे
इसका कुछ गम नहीं, तेरा नाम तो अमर कर देंगे हम। धर्मात्मा के अर्थ तन मन धन सर्वस्व निछावरी कर देना। आचार्य महाराज भाव दीपिका में कहते हैं, आचार्यों के वचन होने से हम कह रहे हैं, वैसे तो पंडित जी ने लिखा है। हे भाई साधर्मियों के अर्थ अगर प्राणों की भी जरूरत पड़े तो प्राण भी दे देना। वे वहां पर खड़े हो गए किसकी रक्षा के लिए? सकल संघ की रक्षा के लिए वहां मग्न खड़े हुए। उए मग्न ध्यान में गुरुवर करते सिद्धों से बात, प्रचुर संवेदन करते हो ये आनंद वर्षा। रात्रि समय मंत्री चारों खड़ा चलाते हैं, रक्षा बंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा न्यासो जीवन बने। चारों मंत्री जब अपना अपमान नहीं सहन हुआ तो बोले, जिनने हमारा ये दशा की है, चलो आज रात्रि में उनको वहां जाकर के अपने अपमान का बदला लेंगे। तलवार लेकर के चल दिए। बोले अभी तक तो हम राजा के सामने कुछ बोल भी जाते थे, अब तो हम बोलने लायक भी नहीं रहे। चले जा रहे हैं रास्ते में, जाते जाते और जाते हुए कहाँ खड़े हो गए हैं, वहां जाकर खड़े हुए जहां पर कौन से महाराज? सुत सागर। ध्यान में मग्न थे। वही स्थान पर जिस स्थान पर वाद विवाद हुआ और वे महाराज थे, विचारने लगे उनने तो हमारा कुछ किया भी नहीं है, हम तो मुख्य इन्हीं को देखना चाहते थे, पहले प्रहार इन्हीं पे करेंगे फिर आगे विचार करेंगे। यों विचार करके विचारो मंत्री, बोलो भाइयों हैं, तलवार उठा ली है। एक बार एक बोला तुम चलाओ पहले, एक बोला तुम चलाओ पहले, तो डर भी लग रहा है क्योंकि उनका भक्ति उनकी वीतरागता देखी है। तो तुम करो, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तो बोले एक काम करते चारों चलाते। तब उन्होंने क्या किया, चारों ने एक साथ जो खड़ा का प्रहार किया, उसी समय योग से वहां स्थित देव का आसन कंपायमान हुआ और वही विचारने लगा, ये मुनि तो अपने आत्म ध्यान में मग्न और धिक्कार है इनको जो इनको मारने के लिए जा रहे हैं। जैसी तलवारें उठाई वैसी वो कैसे हो गए? क्यों भैया, कदाचित वे मुनिराज के ऊपर तलवार चला देते तो मुनिराज की कीमत कम तो नहीं होती। बहुत से लोगों को ऐसी महिमा कर, देखो महाराज जी का चमत्कार। अरे महाराज जी का चमत्कार ये था कि तलवार चल रही थी और वे चमत्कारी तत्व में बैठे थे, उनको कोई विकल्प नहीं आया। उस काल में भी वे सभी कल भूमिका में जब होंगे तब कानों से सुनाई भी दे गई कि मंत्री आ चुके हैं और तलवारें खींच रहे हैं, चला तू चला, ये सब आवाज तो आई गई होगी क्योंकि एकदम निर्विकल भूमिका के बाद सभी कल भूमिका में तो आते ही है। कई बार अपन कहने लगते हैं कि उनको तो पता ही नहीं चला, सिर पर सिगड़ी जलती रही, ऐसा नहीं है, पता भी चला है लेकिन वो मैं नहीं हूं ये विचार रहे। वो तलवार चलाने के लिए तैयार हो रहे हैं और तब भी वे अचल और अकंपित खड़े हैं। इसका नाम मुनिराज का चमत्कार है। वो तो पुण्य के प्रताप से उस योग से देव ने ऐसा किया, और नहीं तो 500 मुनिराज को तो गानी में पेर दिया है। गजकुमार आदि मुनिराज के ऊपर सिगड़िया जल गई और जैसे ही उन्होंने तलवार चलाने का प्रारंभ किया है कि तलवार से क्या हुआ,
कीलते हुए चारों वैसे ही देव के द्वारा भाई मुनिवर तो देय से निर्मम वैसे ही राज सुखदाई। दे तो देह से निर्मम खड़े थे और वे कीलित हो गए हैं, ऐसा हटना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हट पा रहे हैं, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन नहीं हट पा रहे हैं। भैया पाप छुपाने से छुपते नहीं है, पापों को छिपाना कोई उपाय नहीं है, पापों को मिटाना ही श्रेष्ठ उपाय है। कीलित हो गए हैं, क्या प्रसंग बनेगा, समय हो गया है। क्यों भाई पूरी करें हैं? हाँ और नहीं तो फिर हमारा तो लगभग 10:15 हो गया। बोलो भाई जल्दी बोलो पूरी कर दे। देख बेचारों के चारों कीलित हो गए थे, किन्ने कीलित करे? देव ने। अरे देव ने कीलित किए, समझ में आया? अभी मुख्य स्थान पर नहीं पहुंचे भैया, अधूरी सुनकर मत जाना, क्योंकि हमें तो मूल स्थान पर पहुंचा कर रक्षाबंधन का। तो अभी तो ये दूसरी नगरी में, और दूसरी नगरी के राजा के पास पहुंचेंगे, वहां पर जाकर के फिर मंत्री बन जाएंगे और मुनराज आएंगे, तब वहां प्रसंग बनेगा, तब कथा विराम को देगी, समझ में आया? देव ने चारों को कीलित कर दिया है, ये भी बाहर की बात है। अरे कीलित किसने किया ये बताओ? अंदर का जो पाप परिणाम था, उपसर्ग करने का परिणाम था, उस परिणाम ने ही कीलित कर दिया है। पापों को छिपाने से छिपते नहीं है, पापों को छिपाना कोई उपाय नहीं है। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं पापों को छिपाना कष्टकर भी है और कष्टकर है और कठिन भी है और कष्टकर भी है, और पापों को हैं मिटाना सुखकर भी है और सरल भी है। समझ में आया? वे छुपाना चाहते लेकिन अब तो सामने ही प्रकट हो गया। किनका? बेचारों मंत्रियों का पाप। और सुबह जब देख करके जो भी दर्शन को आता, धिक्कार है, ये राजा धर्मात्मा है, इसके मंत्री धर्मात्मा है, देखो मुनियों को रात्रि में मारने आए, देखो चारों दिखाई दे रहे हैं। जब राजा को पता चला तो राजा सोया माया, देख निपति सहित सभी निंदा करते हैं। अरे इन्हीं महाराज से कल्ले पराजय प्राप्त करके इनकी ये दशा, ओहो हो। अब उसी समय वो जब हट नहीं रहे तो उनके जो मंत्रियों के परिवार जन थे बेबी आ गए, चरणों में गिर गए महाराज जी के। ही प्रगुरुवर क्षमा प्रदान करो। तो महाराज जी को तो पहले से ही क्षमा थी, कोई क्षमा मांगे तब वे क्षमा करें, ऐसा नहीं है, वे तो पहले से ही क्षमा के भंडार थे। तब कल भूमिका में जब आए तो धर्म वृद्धि कहा, और देव ने आके चरणों में झुका, उनको छोड़ दिया। राजा ने कहा अरे पापियो, तुम्हें ऐसा कार्य शोभा देता? तत्काल क्या किया, चारों को पहले तो नगर में बिठा करके काय पे, हाँ वो तो कहानी में तुमने पढ़ा है ना, उसका वर्णन वे क्या कर लेना। अरे वो पाप की उसकी दशा थी, काला मुंह किया या गधे पर बिठाया, चारों तरफ नगर में घुमाया और फिर देशों से निकाल दिया। कोलाल सुन अपमानित कर निपने चारों को देशों से दिया निकाल, जो मिथ्यावादी बाबों को ज्ञानी दे ये निकाल। बंद के कारण है ना, जैसे वे पाप के कारण थे ना चारों, ऐसे ही तुम्हारे पास भी चार मंत्री बैठे हैं। कौन कौन से हैं? चारों प्रत्यय बंद के कारण ज्ञानी जन कहते हैं। चारों प्रत्यय शुरू में बताया था, मिथ्यात अवराती कसाय और योग। भैया ये जैसे मैं मंत्रियों को निकाल दिया, ऐसी आप भी इनको
आज निकाल दो रक्षाबंधन है, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, क्यों यही तो बंधन कराने वाले। अगर इनको निकाल दिया तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं यही बंध के कारण है, इन बंध के कारणों को आज अपने देश से ऐसे ही निकाल दो जैसे चारों मंत्रियों को श्री वर्मा राजा ने उज्जैन से निकाल दिया, तो आप भी अपनी उज्जैन में रहो, उच्च जैन बन के रहो। दूसरी नगरी की ओर प्रस्थान किया। पहुंचे असनापुर मैंने पद्म राय की शरण में भाई, सिंह रथ को जीत लिया, छीण पुण्य का फल था भाई, पापी भी पुण्योदय में समृद्धि पाते दिखाते हैं, रक्षा बंधन पर्व की मंगल कर। जो बीच बीच में थोड़े थोड़े सिद्धांत बता रहा है, ये जरूरी है कि देखो पे यहाँ से गए भटकते भटकते इतने अपमान हुआ और फिर वहां गए पद्मराय राजा, कौन से राजा थे, पद्मराय विष्णु कुमार महामुनिराज के छोटे भाई और राजा श्रेयांश के वंशज। कौन से राजा श्रेयांश, जिन्होंने भगवान मुनिराज आदिनाथ को हार दिया था प्रथम बार, उनके वंशज यानी उनकी परंपरा में मुनियों का सम्मान, जिन धर्म का सम्मान होता आया था, उस कुल में पहुंच गए। और वहां के राजा का जब पता चला तो उन्होंने कहा महाराज थोड़ी सी हमें सेना दो, सेना दी और सिंहरथ राजा बहुत परेशान करता था उन्हें, तो उसको बंधन में बांध करके ले आए हैं। ले आए तो राजा बड़े प्रसन्न हुए और बोले मंत्रियों, मंत्री तो उस समय थे नहीं, तुम्हें जो चाहिए, एक तो तुम बहुत योग्य हो तो मैं अब तुम्हारे लिए मंत्री पद पर रखता हूँ, और जो कुछ चाहिए भाई तुम बोलो। कि महाराज अभी अवसर नहीं, भविष्य में जब अवसर मिलेगा तब हम आपसे मांग लेंगे। वे जान रहे थे राजा जिन धर्मी है, और कदाचित कोई घटना घटी तो हम अपने मुख से वो वाला वर मांग कर काम चला लेंगे। बड़े पंडित जी साहब कहा करते हैं कभी किसी से ऐसे गोलमोल बातें नहीं करना चाहिए, और ऐसी गोलमोल बातें वालों का कभी विश्वास, जो कछु देना हो तुम तत्काल दो, हम तुमसे मांग लेंगे। इस चक्कर में बड़े विवाद हुए हैं, एक रामायण की घटना भी इसी से घटी, ये वाली घटना भी इसी से घटी, इसलिए जो आपके पास हो सो दे दो, ये मत तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो, ऐसे चक्रवर्ती मत बना करो। जब वो मांग रख लिया और चारों मंत्री वहीं पर रहने लगे, देखो मां दिया है, इतने पापियों को दोबारा समृद्धि मिल गई, छीण पुण्य का फल है, बचा हुआ पुण्य था उसका फल था, इसलिए कोई विराधक कदाचित उन्नति को पाता हुआ पंचम काल में ऐसे ही जीव बहुत हैं दिखाई दे, तो इस छल से आप ये मत सोचना कि देखो भैया ये तो खूब पाप करते हैं और उनको यहाँ से ये दो नंबर का काम कर देते तो यहाँ से निकाल दिया तो उनको तो वहां से बहुत अच्छा मिल गया, वो बचा हुआ उनका पुण्य उससे हुआ है। और चारों मंत्री पद पर स्थापित हो गए और योग से क्या हुआ, करते बेयारे सात सुमुनिवर पहुंचे असनापुर, बन माई ध्यान सुकरते भाई ज्ञायक सुख कर, पद्म राय उत सभी नगर वासी हर्ष मनाते हैं, वंदन पर्व की मंगल कथा सभी प्रसन्न, मंत्री दुखी निमित एक ही जान। जयमाला मई तो आए है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं और मंत्री दुखी है और निमित्त एक ही है, कौन तो ये बता, मुनिराज दुख के कारण है मंत्रियों के कि सबके सुख के कारण है, है? सबके सुख के कारण है तो फिर दुख के कारण भी होना चाहिए। अरे उपादान के अनुसार जीवों के भाव होते हैं। अभी हमने कहा पूरी कथा सुनाएंगे तो एक आध को विकल्प भी आ गया होगा, अरे ठीक है शाम को ही सुना दी और दो चार कहने लगे और ठीक है हमको पता आ पाए नहीं आ पाए, चलो बढ़िया हमारी पूरी दिन चिंतन चलेगी,
समझ में। तो उपादान के अनुसार वो ही घटना तो एक ही घट रही है, लेकिन जीव को जो सुख दुख का वेदन हो रहा है वो किससे हो रहा है? निमित्त से नहीं, निमित्त के कारण नहीं हो रहा, तो किससे हो रहा है? उपादान के अनुसार है। देखो, सभी प्रसन्न मंत्री दुखी निमित्त एक ही जान, उपादान अनुसार सुवर्तन जीवों की पहचान। रखा हुआ वर मांग राज्य सात दिवस का लेते हैं, रक्षा बंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणिया, सो चारों तरफ खुशियां छा गई हैं। राजा दर्शन कर आए, पूरे नगरवासी दर्शन को जा रहे हैं, और मंत्रीगण सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, और कार्य शुरू हो रहा, बड़ा खुशियां छा रही हैं कि बड़ा अच्छा अवसर आया है। इन मुनिराजों का तो चार मास यहीं रहना होगा, क्योंकि ये काल कौन सा था, और ये मत समझियो अबे आए हो बिहार करते, भी उसी समय आ गए थे। किस समय? आषाढ़ की अष्टानिका के पहले ही, चतुर्मास के पहले ही। इसको समझना, कहानियों में सामान्य वर्णन होता है, उसका विशेष बुद्धि लगाकर समझ लेना चाहिए। और जब वो चारों तरफ वो चलने लगा, मंत्री सोचते हैं अब क्या होगा, कब तक छुप पाएंगे अपन, एकाध देना बे महाराज जी हमको देख लेंगे और सब बता देंगे कि जे बे ही है। अरे हो जे क्या पड़ी, आज तो उनने हमको देख लिया था, आज कुछ नहीं कहा, हो सकता है भीतर भीतर कुछ सोच रहे हो, इसलिए अब अवसर है, जल्दी से शीघ्रता से अपना कार्य कर लेना चाहिए। ये विचार कर इस योजना बनाकर ये कार्य शुरू कर दिया। इसके दिन 7 दिन पहले से ही उन्होंने कहा, महाराज मुझे 7 दिन का राज चाहिए विशेष कार्य के लिए। बोले ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा, क्योंकि मंत्रियों पर विश्वास तो था ही, अति विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। और 7 दिवस का राज लेकर के घोर अत्याचार शुरू कर दिया। बोले हम एक यज्ञ रचाने के लिए जा रहे हैं, जितने ब्राह्मण वर्ग है उनको किमिक्षक दान देंगे, जो उनको चाहिए सो देंगे, और वहीं बोले जंगल में जो स्थान संतों का है, बोले संतों के स्थान पर ही हम अपना कार्य शुरू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ उनकी साधना का भी अपन को लाभ मिलेगा। और वहाँ जा कर के चारों तरफ क्या किया उन्होंने, नरमेघ यज्ञ शुरू कर दिया, और वहाँ पर पशुओं को, जिंदे पशुओं को होमा जा रहा है, अग्नियाँ जलाई जा रही हैं। अब विचार करो, हम तो कहते अगर हमारे सामने कोई सामान्य कोई छोका वोका लगा देते है ना, तो वहाँ बैठना मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन वो चारों तरफ मुनियों के निकल पा नहीं रहे, सीधी हत्या न करके ऐसे कि जब 7 दिन तक इनकी ये दशा रहेगी तो अपने आप मरणासन्न हो जाएंगे। और यह विचार करके उन्होंने वह यज्ञ शुरू कर दिया। राजा पद्मराज भी तड़प रहे हैं, और कुछ संदेश भोजा, बोले महाराज अब राज्य आपका नहीं है, जो हम कर रहे हैं सो उसको आपको स्वीकारना हो। बस कुछ नहीं बोल पा रहे, प्रजाजन में भी हाहाकार मचा। उसी समय क्या होता है कि एक जगह जब योग होता है तब कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। अर्ध रात्रि के समय नक्षत्र कांप रहा था, एक दिगंबर आचार्य महाराज अपनी आराधना से सविकल्प निर्विकल्प सामायिक से बाहर आए, और उसको कांपता देख निमित्त ज्ञान से मुनराजों के को भयंकर उपसर के पीछे बैठा देख करके धर्म अनुराग बस आहा शब्द निकल पड़ा। कष्ट का शब्द होता है ना, कि ये आ शब्द आचार्य के मुख से कैसे निकला। उस समय तो छुल्लक महाराज कुछ पूछ नहीं पाए, क्योंकि मौन थे। प्रातः होते ही पूछा कि महाराज आपको कौन सा कष्ट था, जिनके तन को घानी में फेर दिया जाता है तो भी कोई कष्ट नहीं होता, उनको भी धर्मानुराग ऐसा होता है, वे अपने शरीर की वेदना से कभी दुखी
नहीं होते। उन मुनिराजों को कष्ट देख करके उनके मुख से ये शब्द निकल पड़ा। क्षुल्लक महाराज से बोले हैं, मुनियों पर घोर उपसर्ग हो रहा है। बोले महाराज इसका उपाय क्या है? विष्णु कुमार मुनिराज के पास इसका उपाय है। क्या कर सकते हैं वे? उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त है। क्षुल्लक महाराज विद्या धरते पहले तो वो अभी आकाश मां गामनी विद्या उनने त्याग इसलिए नहीं की थी मेरु वंदना के लोग से। तो वो आकाश गामनी विद्या का क्या था सहारे? वहां विष्णु कुमार मुनिराज के निकट जाते हैं और जाकर पूरी घटना बताते हैं। महाराज जी ऐसा ऐसा उपसर्ग हसनापुर में हो रहा है आपके हसनापुर में। बोले भाभी हम क्या कर सकते हैं? बोले आप कर सकते हो क्योंकि आपको विक्रिया रिद्धि है। महाराज जी बोले विक्रिया रिद्धि? बोले हाँ महाराज आपको विक्रिया रिद्धि। उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई थी, उनको पता ही नहीं था। ज्ञानी कहते हैं जैसे बहिरात्मा को चैतन्य रिद्धि की पता नहीं है, ऐसी इन ज्ञानियों को भाई की रिद्धियों की पता ही नहीं है। हाथ बढ़ाया बढ़ता चला गया और यह विचार करके क्या किया हैं? किया प्रताड़ित, तत्काल धर्मानुराग उन मुनिराजों के प्रति आया और अपने वेश को छोड़ करके दूसरा वेश बना करके बामन का वेश बनाकर पहले दूसरे वेश में सीधे पद्म राय के पास में गए कि जिस कुल में तीर्थंकरों को दान आदिक से प्रारंभ परंपराएं चलती आ रही उस कुल में तुम मुनियों पर उपसर्ग करा रहे हो कि भगवान मैं क्या करूं, मैं वचन बद्धू, मैंने ऐसा खोटा वचन दे दिया है, बस आप ही कुछ कर सकते हो। और सीधा बस कथानक को विराम देते हैं, इसलिए गद्य गद्य में ही सुनाया जा रहा हूं। आप ही कुछ कर सकते हो सीधा आप, इसलिए हे महाराज मैं आपके चरणों में झुकता हूं। और धर्मानुराग बस उन्होंने फिर एक ब्राह्मण का वेश बनाया, बोना ब्राह्मण, बामनिया मतलब बावन मतलब बोना, बहुत छोटा सा, और मंत्र मंत्र या उसके पढ़ते हुए युद्ध भूमि की ओर चले जा रहे हैं। युद्ध भूमि नहीं, यज्ञ भूमि, वो युद्ध भूमि से भी खराब थी। हाँ वहां तो न्याय के युद्ध भी होते हैं, वहां तो जीवों की बलियां चढ़ रही थी। और वहां पहुंचाए और छोटे से ब्राह्मण को देख करके मंत्र पढ़ते देख कर बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले आओ पधारो पधारो, आपको क्या चाहिए? बोले मैंने सुना है आप किमिक्षिक दान देते हो। बोले हाँ आपको जो चाहिए थे मांगिए। और क्या किया? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मात्र तीन पैर भूमि चाहिए। अरे महाराज आप क्या मांग रहे हो, तीन पैर भूमि आपको तो और जो चाहिए जितना ले लो। कि नहीं नहीं, वो दिख कितने से रहे, इतने से दिख रहे हैं लेकिन कितने विशाल हैं। मैं आपको जब भी कहता हूँ इस सम्यक दर्शन दिखता छोटा सा भी है लेकिन इसका रूप कितना विशाल है आप नहीं जानते हो। वो भले दिखाई छोटा रहा है लेकिन वही चारित्र को लाता है, वही सिद्धत्व को लाता है और वही पूरा जीवन बदल देता है, मोक्ष मार्ग में आनंद बरसा देता है। उसके भीतरी रूप को तुम नहीं जानते। और महाराज जी ने जब तीन पैर भूमि मांगी है और उसने वचनबद्ध हो गया तो क्या किया? महाराज जी ने फिर जो बड़ा रूप बढ़ता 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 चले गए आकाश की ओर और देख पहली विक्रिया रिद्धि का, क्यों इनको रिद्धियां प्राप्त होती हैं वो प्रयोग तो करते नहीं है, विक्रिया रिद्धि के प्रयोग की पहली कथा है, जरूरत ही नहीं है, मुनिराजों को सबको होती है। और ऐसी विक्रिया रिद्धि से वो आकाश की ओर बलि देखता जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और सब लोग बोल उठे जब मूल में दिखा चेहरा, ये तो पद्म राय के बड़े भाई मुनिराज विष्णु कुमार है। बोले विष्णु कुमार महा मुनिराज की वात्सल्य अंग की। और जब पहला क्या किया, प्रथम पैर सो मेरु तक दूजा मानो सत्तर पहुंचा, पहले पैर और दूसरा पैर
मानो सोतर पर पहुंच गया। तीजे पैर को जगह न देखी बाली स्वयं झुका, क्षमा क्षमा के सभी मंत्री चरणन में झुकते हैं। रक्षा बंधन पर्व की मंगल कथा। और जब तीरे पैर ऑल वाली, तूने तो तीन पैर का वचन दिया था, तीसरा पैर कहाँ रखे? और जब भाई वचन हो महाराज हैं, रखा नहीं है, ध्यान रख। हाँ अपन कछु ज्यादा अलंकारिक वर्णन करते हैं, रखा नहीं है, झुक गए। जो मुनिराज की चीटी पर पैर नहीं रखते, वे उस पर पैर काय को रखे भाई है? वो तो एक अलंकारिक वर्णन लिख दिया हो, पढ़ लिया हो तो कह दिया हो, वो तो झुक गया ना, हो गया काय, चढ़ो में झुक गया है महाराज। क्यों? पैर छोटे मोटे थोड़ी थे, अगर वो पैर रखे हो जाते तो क्या होता, वो मरी जाता, बचपा रहा था क्या उस पैर के नीचे। जब तीनों दो पैर के बाद में पूरे मंत्री और पूरी प्रजा और चारों तरफ क्षमा 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 का भाव निकलने लगा, और क्या हुआ उस समय, देवगण जय जयकारों से आकाश गुंजाए, करी मेघ वर्षा अग्नि आकर के बुझाए। वो एकदम चारों तरफ मेघ वर्षाएं होने लगी हैं, और वो अग्नि क्या हो गई, वो बुझ गई। देवगण जय जयकार, जय हो विष्णु कुमार महामुनिराज, अकंपनाचार्य आदि सात सौ मुनिराजों की हैं, वो आराधना और ये प्रभावना हैं, वो निर्विकल्प आराधना और ये सविकल्प भाव विष्णु कुमार मुनिराज का, और चारों तरफ जयकारा लग रहे हैं, और देवगण सुगंधित हवाएं बहाने लगे, चारों तरफ जिन धर्म की जयकारा लग रहे हैं। क्यों भैया, देवगण पहले कहा नहीं आया, वही समझ रहे कार्य बढ़ो भैया, जो जिस कार्य में जो निमित्त होगा वो ही होगा है? नहीं तो देव आकर ये काम कर देते ए, ए, वो तो जहाँ जिसका होगा वहाँ होगा। इसलिए कभी आप लड़ा मत करो कि अब आ गए जय जयकार लगावे के लिए, तब कोई नहीं था, अब जब हम अकेले खड़े थे। ये कई बार अपन विचार नहीं लगते हैं, कब आ गए आखिरी आखिरी में माइक पकड़ने के लिए। अरे माइक पकड़ रहा है जी का काम है, तो मौन होकर साधना करने लगो उस समय। अरे जाकर जिस समय जो निमित्त होगा वैसा होगा है? वो जय जयकार करने लगे, अग्नियां बुझा दी, चारों तरफ सुगंधित हवाएं बहने लगी, और क्या हुआ, जिन धर्म बलियादि के मुनियों की सेवा करते दिखाते हैं, सफाई खुद की और मुनराजों के चरणों में झुक रहे, भगवंतो क्षमा करो, जिन धर्म स्वीकारा विष्णु कुमार की बोले जय, और उन्होंने चारों ने क्या कर लिया, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, और विष्णु कुमार महामुनिराज की चारों तरफ जय जयकार लग रहे हैं। बोले गुरुवर जय के लायक तो गुरुवर है अजय, बोलो कंपनाचार्य आदि सात सौ मुनिराजों की, विष्णु कुमार मुनिराज कह रहे हैं, अब तो हम तो भैया ग्रस्त भूमिका में आ गए हैं, हम जयकार के लायक नहीं है, जयकार के लायक तो ये अकंपनाद आचार्य भगवंत है, इसका नाम धर्मात्माओं की वीतरागता है। और ऐसा ही वासल हम धारेंगे सब जन कहते हैं, विष्णु कुमार मुनि प्राय चित ले पुनर्धरी दीक्षा, राग मात्र प्राय चित लायक दी हमको शिक्षा, राग मात्र प्रायश्चित के लायक है, हमको शिक्षा दी है। ध्यान अग्नि में सब कर्म नाश वो शिव पद पाते हैं, की मंगल कथा। वो अब पद में छोटे हो गए, क्यों, दीक्षा दोबारा ली ना, लेकिन फिर शुद्धोपयोग से चढ़े और ध्यान अग्नि में कर्म नाश कर अचल शिव पद को पाया। बोलो विष्णु कुमार भगवान की। और उसके बाद में धर्मी धर्मी आपस में रक्षा सूत्र बांध रहे, जिन धर्म को सर्वस निछावर करेंगे प्रतिज्ञा करो रहे,
ऐसी प्रतिज्ञा हम भी सावधारण करते हैं। विष्णु कुमार मुनराज की मंगल कथा सुना, चारों तरफ वात्सल्यमयी पर्व की जयकारा हुए। अब मुनिराज उठे हैं और हार चर्या के लिए नगर में जा रहे हैं। तैयारियां करो, क्या कह रहे, तैयारियां करो हैं? सात तो मुनिराज कौन सी नगर में हो आप? तो आज सुबह सोचा था महाराज जी आने वाले हैं आज हैं? अरे सुबह सुबह लगे, 700 मुनिराजों का विहार हुआ है, अब उठ करके चरिया के लिए जा रहे हैं। तब सावो श्रावक कितने चौके लगे थे? अरे लगे नहीं थे, लगे लगाए रहते हैं, हजारों कह रहे हो, चौका लगते ही नहीं है, श्रावकों के चौके मिटते ही नहीं है, ये किसे नवे बनाते जा रहे हैं, चौका मिटाते जा रहे हैं, चौका मिटा रहे हो, जिन धर्म की यामना विरुद्ध खत्म कर रहे हो। धर्मात्माओं के चौके लगते थोड़ी है, है? अली कोई कह रहा कितने चौके लगे हुए, चौके थोड़ी लगे, चौके तो लगे लगाए थे और पड़गायन हुआ है और फिर वो हार हुआ मुनिराजों को। वो आप लोग क्या बोलते हो उसको? हाँ, क्योंकि इतने दिन तक कंठ रुध गया था ना, इसीलिए। और फिर सब जब मुनिराजों का हार जिनके घर में हुआ, जा नहीं हुआ, वह मध्यम श्रावक मध्यम पात्र देशवृत्ति श्रावकों का और सब साधर्मियों का घर घर में, एक दूसरे के घर में, उस दिन कोई नहीं अपने अपने घर में भोजन करो ही नहीं, समझ में आया? वो वहाँ ऐसे बड़े वात्सल्य पूर्वक और प्रतिज्ञा धारण करी कि जैसे विष्णु कुमार मुनिराज ने सर्वस्व निछावरी करके जैन धर्म की वात्सल्य निभाया, प्रभावना करी, ऐसी प्रभावना हम करें। जान तो कैसा निछावरी करी, जैसे कोई अरबपति सेठ पूरी संपत्ति लुटा करके और सामान्य भिखारी का वेश बनाकर किसी धर्मात्मा की रक्षा करे, ऐसी अपनी पूरी संपदा इतनी दिवस की दीक्षा को छेद करके और सामान्य श्रावक का वेश बनाकर मुनराजों की रक्षा के लिए आए। ऐसा तन मन धन समय शक्ति सर्वस्व निछावरी हम करें अपने धर्मात्माओं के लिए, धर्मायतनों के लिए, परंपराओं के लिए, तो हमारा ये रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। बंधन में ही ना बने, बोलो बंधन से मुक्त होने का उपाय सोचें। धर्म ही बंधन से मुक्त होने का श्रेष्ठ उपाय कहा है, इसलिए आज हम अपनी परिणति में धर्म को लाएं। इसी मंगल भावना के साथ इन्हीं मुनिराजों की मंगल महिमा करते हुए संध्या की बेला अपन प्रारंभ करेंगे और संध्या की बेला में एक अद्भुत नवीन चरित्र भविष्य दत्त का चरित्र आज से प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा चरित्र है, उस चरित्र का प्रकरण अपन संध्या की बेला में प्रारंभ करेंगे। सुबह नियम सार जी ग्रंथ के साथ स्वाध्याय करें। आपसे बात करते हैं।